न्यूज स्टार में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की। अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA की तरफ से भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने हेतु दिल्ली में मानद उपाधि से सम्मानित मीनाक्षी शर्मा तारिका ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हमारा शोध कार्य विशेष रूप से क्वांटम फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी एवं साइकोलॉजिकल पर था, जिसके माध्यम से विभिन्न छोटी बीमारियों का इलाज घर पर संभव कर सके, लोगों छोटी छोटी बीमारियों से परेशान नहीं होना पड़ेगा, जिससे लोगों में मानसिक तनाव की कमी आएगी। इस कार्यक्रम में भारत पे के डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर, फार्मर इन्वेस्टर दीपक वोहरा और अमेरिकी वैज्ञानिक टॉम हॉल्ट मुख्य अतिथि रहे। 2019 में ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार से भौतिकी के क्षेत्र में अविस्मरणीय शोध के लिए डॉक्टोरेट और यंगेस्ट साइंटिस्ट की उपाधि दी गई थी। मीनाक्षी शर्मा के नगर आगमन पर हमारी टीम को जानकारी देते हुए बताया कि उपलब्धि संसाधनों की मोहताज नहीं होती है, किसी क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने हेतु मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जिससे आप असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना सकते। इसी प्रकार विगत कई वर्षों से मैं भौतिकी क्षेत्रों में काम कर रिसर्च कर रही थी, जिस पर अमेरिकन यूनिवर्सिटी USA की तरफ से मेरे भौतिकी के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य की सराहना करते हुए मुझे दिल्ली में मानद उपाधि से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टार। एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है या कोई डिप्रेस फील कर रहा है या कोई भी अलग अलग चीज़ें, जैसे सर्दी खांसी है जो नॉर्मल है, कि कुछ मशीन्स के भीतर में रखे उनके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं, उसी के भीतर उस फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर व्यक्ति को बिठाया जाए, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है या जिसको थोड़ा भी तबीयत खराब है या कुछ भी ऐसा या एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, क्वांटम फील्ड की वजह से वहां पर एक एनर्जी डेवलप हो रही होती है, क्योंकि उसके आसपास की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है पड़ता है, आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों के यहाँ पर एक बात कही जाती है कि ऑरा, ऑरा अपना एक ऑरा होता है, ये सुना आपने, वो दरअसल वो जो ऑरा है वो विद्युत चुंबकीय तरंग एमिट होती रहती है। तो लेकिन अगर किसी भी वजह से उन विद्युत चुंबकीय तरंगों में डिफरेंस आता है या चेंजेस आते हैं, तो उसका असर हमारी बॉडी पे पड़ता है। क्वांटम फील्ड के बीच में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अगर उसमें बीच में एक पर्सन को रखा जाता है, किसको, जो कि जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब वो किसी वजह से तबीयत ठीक नहीं होने के पीछे कारण होता है कि आपके अगल बगल में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई हैं। तो क्वांटम फील्ड के बीच में वो एनर्जी क्रिएट करके वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम लोग वहां पर बैठाते हैं, रखते हैं, तो क्या होता है, उसके अगल बगल की तरंगों में चेंज होता है, उनकी जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो उनका आयाम होता है बॉडी में फ्लक्चुएशन, जिस तरीके से जोर फील कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं कम हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तो वो जो अलग से जो क्वांटम फील्ड जनरेट करके वहां पर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी करता है, तो जब वैसा करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पर्टिकुलर पर्सन है वो एक अच्छा फील कर, अगर डिप्रेस है या उसको हल्की फुल्की तबीयत ठीक नहीं है, तो चूंकि उसके अगल बगल का लगती है तो वो उसको मेडिकली फिट करता है, उसको ऐसा लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं। काम मेडिसिन करती हैं, मेडिसिन जब हम इंटेक करते हैं तो वो हमारी बॉडी के भीतर फंक्शनल काम करते हैं, वहां पे अंदरूनी यही चीज, अगर मान लीजिए मेडिसिन ना खाएं हम लोग और इस तरीके के फील्ड जनरेशन में अगर हम बैठते हैं, तो विदाउट एनी मेडिसिन भी अपने को ठीक कर सकते हैं हम लोग। तो यही हमारे शोध का विषय था और इस चीज को चेन्नई में जीजी हॉस्पिटल है, वहां पर एक लोअर स्केल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो। अगर हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।